दोस्तों, यदि आपसे कोई आपका फ्रेंड या आपका कोई रिश्तेदार आपसे उधार पैसा मांगने के लिए आता है और आप उसको पैसा देने से डरते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि यदि कोई आपका रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड आपसे उधार पैसे मांगने के लिए आता है तो आपको उसे किस तरीके से पैसे देने हैं उधार, ताकि आप उस पर्सन से फ्यूचर में जाकर अपना पैसा वसूल कर सके यदि वह आपका पैसा रिटर्न ना करे तो। दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी रिश्तेदार को या किसी फ्रेंड को उधार पैसे देते हैं तो हमेशा याद रखिए, उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा पैसे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, या तो उसे UPI से ट्रांजेक्शन कीजिए उस पेमेंट का, या फिर फोनपे से, या फिर पेटीएम से, या फिर गूगल पे से, या डायरेक्ट उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके पास में एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने अपने इस रिश्तेदार को, इस फ्रेंड को, इस सो एंड सो पर्सन को इस दिन इतना अमाउंट उधार दिया था। दोस्तों, यदि आप इन तरीकों से उस पर्सन को उधार पैसा देते हैं जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है और वह पैसा वह पर्सन आपको रिटर्न नहीं करता है, तो आप उस पर्सन के खिलाफ कोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ऑर्डर 37 में एक समरी सूट डाल सकते हैं, एक समरी केस डाल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप समरी केस जीत जाते हैं उस पर्सन के खिलाफ, तो कोर्ट आपको उस पैसे का, जितना पैसा आपने उस पर्सन को उधार दिया है, उस पैसे का डबल अमाउंट आपको उस पर्सन से